बॉलीवुड एक्टर राजकुमार के नाम से तो सभी वाकिफ है, उनका तकिया का नाम जॉनी तो आज भी मशहूर है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक्टर राजकुमार जितने अपने डायलॉग डिलीवरी के लिए फेमस है, उतने ही वो अपने मिजाज को लेकर भी जाने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि वे किसी को भी मुंह पर कुछ भी बोल सकते थे, फिर चाहे उनके सामने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो। आइए जानते हैं एक्टर राजकुमार से जुड़े उनके कुछ रोचक किस्सों के बारे में। बनने से पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, लेकिन बाद में वो फिल्मों में आ गए। फिल्मों में उन्होंने अपनी एक अलग शैली बनाई जो पर्दे पर दर्शकों ने खूब पसंद की। लेकिन कहा जाता है कि जिस तरह के रोल राजकुमार पर्दे पर निभाते थे, वो उनकी लाइफस्टाइल से काफी मिलते जुलते थे। राजकुमार बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर माने जाते हैं जो सिर्फ अपनी शर्तों पर फिल्मों में काम करना पसंद करते थे। वे कब किस बात पर रुठ जाएं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता था। इन्हीं आदतों की वजह से कई शानदार रोल उनके पास आकर लौट गए। कम ही लोग जानते हैं कि जंजीर फिल्म में प्रकाश मेहरा की पहली पसंद अमिताभ बच्चन नहीं थे। वे इस फिल्म में पहले राजकुमार को लेना चाहते थे। प्रकाश मेहरा ने राजकुमार से मुलाकात की और रोल ऑफर किया। प्रकाश मेहरा ने फिल्म की पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद जब प्रकाश मेहरा ने उनकी राय जाननी चाही, तो उन्होंने डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को ऐसी बात बोल दी कि वो बिना समय गवाए उनके घर से चले गए। कहते हैं एक्टर राजकुमार ने प्रकाश मेहरा की जंजीर फिल्म केवल इसलिए ठुकरा दी कि कहानी सुनाते वक्त प्रकाश मेहरा ने जो तेल सिर के बालों में लगा रखा था, उसकी खुशबू उन्हें पसंद नहीं आई थी। बॉलीवुड के गलियारों में एक्टर राजकुमार से जुड़े ना जाने कितने किस्से हैं जो आज भी सुनाई दे जाते हैं। कहा जाता है कि राजकुमार कभी जुबली स्टार के नाम से मशहूर, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र और धर्मेंद्र का नाम कभी सही नहीं लेते थे। वो कभी धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र कहा करते थे। इस पर जब उनसे पूछा गया कि ऐसा वो क्यों करते हैं, तो राजकुमार का जवाब था कि जानी नाम में क्या रखा है।